मैं एसके शर्मा स्पर्धा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि इतिहास की सीरीज चलाई जा रही है। पिछली जो सीरीज में हमने आपको बताया था मेगास्थनीज के बारे में बताया था, मेगास्थनीज जो था भारत आया था किसके दूध के रूप में आया था, सेल्यूकस निकेटर के दूध के रूप में आया था, और किसके राज दरबार में रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में रहा था। तो इंडिका जो ग्रंथ इसने लिखा हुआ है उसकी मूल प्रतिलिपि नहीं प्राप्त हुई है। मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखा है उसके उद्धरण अनेक इतिहासकारों ने अपनी किताबों में रखे हैं, लेकिन एक इतिहासकार स्ट्रैबो हुए हैं जिन्होंने बताया है कि मेगास्थनीज के वृत्तांत पूर्णतः असत्य और अविश्वसनीय है। ये बात बताई स्ट्रैबो ने, सिर्फ एक इतिहासकार है जिन्होंने ये बात बताई है कि मेगास्थनीज के जो वृत्तांत हैं, जो बातें हैं, वो पूर्णतः असत्य हैं और अविश्वसनीय हैं, ये बात बताई थी स्ट्रैबो ने। इसके बाद डॉक्टर स्वानबेक हुए हैं, उन्होंने 1846 ईस्वी में जितने भी इतिहासकारों ने इंडिका के उद्धरण लिए हैं उनकी सभी बातों को उन्होंने इकट्ठा किया है और एक साथ लिखा है और इसको पुनः प्रकाशित करवाया है। कौन थे? डॉक्टर स्वानबेक। स्वानबेक ने क्या किया, जितने भी इतिहासकारों ने मेगास्थनीज की बातों को लिया है, उनके उद्धरण को शामिल किया है, उन्हीं सभी उद्धरणों को उन्होंने पुनः एक किताब में लिखा है, उसको इंडिका नाम दिया है। और 1891 में मैक्रिंडल महोदय ने इंडिका का अनुवाद किया अंग्रेजी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर स्वानबेक ने क्या किया, जितने भी इतिहासकार हुए हैं उनकी उनके क्या किया है, उनके सभी उद्धरण लिए हैं जो मेगास्थनीज ने लिखे हुए हैं। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त का नाम सेंड्रोकोटस कहा है। क्या कहा है? सेंड्रोकोटस। ध्यान रखें, जितने भी यूनानी इतिहासकार हुए हैं उन्होंने क्या किया है, चंद्रगुप्त का नाम अलग अलग नाम से संबोधित किया हुआ है। किसी ने सेंड्रोकोटस कहा, किसी ने सेंड्रोकोप्टस कहा, किसी ने एंड्रोकोप्टस कहा। जब हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाएंगे तो हर बात बताएंगे आपको, लेकिन आ जाए मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त का नाम क्या किया, लिखा हुआ है सेंड्रोकोटस नाम से किया हुआ है। अगला पॉइंट है, मेगास्थनीज बताता है कि राजा भूराजस्व का, भूराजस्व जो होता था उपज का 1/4 लेता था, लेकिन कौटिल्य ने बताया कि भूराजस्व की जो दर थी या मात्रा थी वो 1/6 थी। यहाँ पर थोड़ा भ्रमित आंकड़ा दिया है मेगास्थनीज ने, उसने बताया कि भूराजस्व 1/4 लेता है राजा, जबकि कौटिल्य ने बताया कि भूराजस्व जो था वो 1/6 था। मेगास्थनीज ने एक रास्ता, जिस रास्ते से मेगास्थनीज भारत आया था, मेगास्थनीज ने वो रास्ता जो रखा था उसका नाम था उत्तरापथ। उसका नाम क्या था? उत्तरापथ, उत्तरापथ नाम था। यह सड़क सिंध, सिंध प्रांत जो भारत का था उसको बंगाल के सोनार गांव से जोड़ती थी वो सड़क, और इस सड़क का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, और इसका नाम जो था राजमार्ग था, इसका नाम जो था वो था राजमार्ग, राजमार्ग नाम था इसका। शेरशाह सूरी ने इसको पक्की सड़क बनवाया, जो मार्ग बनवाया था चौड़ा करके मार्ग बनवाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, लेकिन शेरशाह सूरी ने इसको पक्की सड़क के रूप में परिवर्तित कराया, और शेरशाह सूरी के समय इस मार्ग का जो नाम था शेरशाह सूरी मार्ग था। एक बात ध्यान रखना है आपको, इस मार्ग का नाम क्या था, शेरशाह सूरी मार्ग था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड, जनरल ऑकलैंड ने 1836 ईस्वी में शुरुआत हुई थी उनकी, यहाँ पे 1842 के बीच में इस रोड का नाम जो था वो जीटी रोड कर दिया था, ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया था। तो इस पूरे मार्ग का मतलब है मार्ग का निर्माण शुरू कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, कच्चा मार्ग था, इसको पक्का कराने का काम किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के बाद इस मार्ग को जनरल ऑकलैंड ने जीटी रोड नाम दिया और बहुत प्रसिद्ध मार्ग रहा ये। अगला पॉइंट जो मेगास्थनीज बताता है कि सोना निकालने वाली चींटियां थी जो सोने को बुरादे के रूप में बाहर लाती थी खान के, मेगास्थनीज ने ऐसी एक खान का उद्धरण दिया है, कहां पर? दर्दिस्तान। दर्दिस्तान कहां था? कश्मीर में एक स्थान था, एक खान का वर्णन किया उसने, दर्दिस्तान में वो स्थान है जहां पर वो खान है जहां पे चींटियां जो है सोना बुरादे के रूप में बाहर लाती है। अब इसके बाद नया टॉपिक शुरू होता है आपका, वो टॉपिक है आपका जिसका नाम है फाइयान। यहाँ पर अब एक नया यात्री आता है, जो चीन से आता है यात्री, जो
भारत में आता है 399 ईस्वी में आता है और भारत में 414 ईस्वी तक रहता है। फाइयान जो था हुआंग प्रांत में रहता था, हुआंग प्रांत था इसमें रहता था। वो तो भारत जब आया था तो भारत में जो राजा थे उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त काल के बहुत प्रसिद्ध शासक हुए हैं। इन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भारत से शकों को मार भगाया था और इसके उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजधानी दो बना ली थी इन्होंने, एक पाटलिपुत्र थी दूसरी उज्जैन थी। और महाकालेश्वर मंदिर जो प्रसिद्ध है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय से ही प्रसिद्ध है। इसके बाद फाइयान ने ग्रंथ लिखा, फाइयान ने ग्रंथ भारत का विवरण जिस ग्रंथ में लिखा उसका नाम है फोक्विकी। फोक्विकी जब फाइयान भारत आया था तो उसके साथ उसके चार साथी भी आए थे, उनके नाम भी इंपॉर्टेंट हैं। वो चार साथी थे हवेकिंग, ताउचिंग, हवेयन और हवेबो, ये चार साथियों के साथ भारत की ओर चले थे। इसके बाद फाइयान जो था, फाइयान का बचपन बहुत अभाव में बीता। फाइयान के पहले फाइयान के तीन भाई जो थे वो खत्म हो गए थे, मर गए थे। जब फाइयान का जन्म हुआ तो आसपास के लोगों ने कहा अगर इस बच्चे को आप बौद्ध विहार में दान दे देंगे तो ये बच्चा बच जाएगा। तो लोगों ने इस तरह से उनके माता पिता ने ये बात लोगों की मान ली और उसको एक बौद्ध विहार को दान दे दिया। फाइयान का जो शाब्दिक अर्थ है वो फा का अर्थ होता धर्म, हियान का अर्थ होता आचार्य, तो फाइयान का शाब्दिक अर्थ हुआ धर्माचार्य, यानी कि फाइयान का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, धर्माचार हुआ। जो फाइयान था इसका बचपन का नाम था कुंड था, कुंड नाम का जो बालक था ये बचपन में बहुत बीमार रहता था। तीन भाई पहले ही खत्म हो गए थे, ये बीमार रहता था तो उसके माता पिता ने इसका जो बौद्ध विहार को इसको दान दे दिया था। जब वहां पर फाइयान रहने लगा तो बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा इसको इंटरेस्ट हुआ, बहुत ज्यादा रुचि उत्पन्न हो गई, धर्म से संबंधित बातें करता, चर्चा सुनता, जितने भी वहां पर बौद्ध भिक्षु रहते उनकी दिनचर्या को देखता। तो इस बचपन से ही वो बौद्ध धर्म से प्रभावित रहा तो उसकी रोचकता दिन पर दिन बढ़ती गई। उस समय बौद्ध ग्रंथ चीन में बहुत कम थे और जो ग्रंथ थे उनको कुछ ग्रंथ ऐसे थे जैसे उसने आधे पढ़े, आधे दीमकों ने खा लिए थे ग्रंथ, वो उसको पढ़ने को नहीं मिले। वो कथाएं अत्यंत रोचक थी, उसके मन में उन स्थानों को देखने की प्रबल इच्छा हुई क्योंकि माता जो बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। वो इतनी कथाएं सुन ली, फाइयान ने सुन ली कि वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया, बहुत ज्यादा वो आश्चर्यचकित हुआ कि हम उन स्थानों को देख के तो आए जहां पर हमारे जो भगवान बुद्ध रहे हैं उनके बारे में कुछ पता करें। और किताबें वो जो थी, ग्रंथ जो थे वो पूर्ण नहीं थे, उन ग्रंथों को पूर्ण करने के लिए, उन ग्रंथों की कथाओं के स्थानों को जानने के लिए और वास्तविकता में उन तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए उसके मन में बहुत बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उस समय यात्राएं बहुत दुर्गम थी, उस समय यातायात के साधन नहीं थे, यात्राएं पैदल ही होती थी और बहुत लंबा रास्ता तय करना होता था, महीनों यात्राएं चलती थी, कभी कभी साल गुजर जाते थे। वहां रास्ते में पहाड़ थे, रेगिस्तान थे, जंगल थे, नदियां थी, मौसम की परवाह नहीं थी, ना कोई मानचित्र, ना कोई निश्चित रास्ता, ना कोई खाने पीने का इंतजाम, ना रुकने के स्थान का कोई पता, ना कोई संबंधी। किस तरह से फाइयान का जीवन जो था उसने यात्रा चुनी, बचपन में बहुत दुखी जीवन जिया है उसने, उसे भगवान के प्रति कितना लगाव है इस बात का पता चलता है इससे कि उसने सबकी परवाह किए बिना भारत की ओर चल पड़ा और बुद्ध से संबंधित स्थानों को देखने की लालसा उसके अंदर उत्पन्न हो गई, ग्रंथों को पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हो गई, सच्चाई जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई। वो चंगन नामक स्थान से उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, बहुत ही कठिन रेगिस्तान को पार किया था। उस रेगिस्तान को पार करने, जो गोभी का रेगिस्तान है बहुत बड़ा रेगिस्तान है, इसको पार करने में बहुत व्यापारी खत्म हो जाते थे, भिक्षु खत्म हो जाते हैं, रास्ते में उसे कंकाल मिलते हैं। चार साथियों के साथ यात्रा प्रारंभ की। फाइयान का जो बचपन था बौद्ध धर्म से इसको बहुत लगाव था, वो लगाव हर कठिनाई को दूर कर रहा था। इसके बचपन की घटना से पता लगता है कि यह बौद्ध धर्म के प्रति कितना लगाव था, कितना इंटरेस्ट था इसके बचपन में। जब इसकी उम्र लगभग 11 वर्ष थी, इसके पिता खत्म हो गए तो उसके चाचा ने बोला कि आप ही एक लोग बचे हो परिवार में, आप माता का ध्यान रखो। लेकिन वो पिता की मृत्यु के बाद पिता की जो समाधान विधि होती है उसमें भी शामिल नहीं होता,
उसने चाचा को बताया कि चाचा संसार में स्वर है। बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसके चाचा जो बहुत प्रभावित हुए, उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप नहीं आओ, हम कोई दूसरा इंतजाम कर लेंगे। भाइयान को बचपन से ही धर्म से बहुत लगाव था और भाइयान ने बौद्ध धर्म का प्रचार चीन में किया। अब यहाँ पर समझ लो आप कि पहले चीन में ग्रंथ कम थे, लोग ज्यादातर जानते नहीं थे। पूरी दुनिया में अगर किसी ने बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज्यादा काम किया है तो भाइयान के जो प्रयास को बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि भाइयान ने ही चीन में जाके भारत के बारे में बहुत बातें बताई, रोचक बातें बताई, यहाँ के लोगों के बारे में बताया किस तरह के लोग हैं यहाँ पे, यहाँ के लोग कितने धार्मिक हैं, किस तरह से ईमानदारी है, कितनी नैतिकता है, इसका प्रचार पूरे विश्व में अगर किसी ने किया है तो भाइयान के प्रयास को बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जाता है। भारत में भाइयान ने ग्रंथों को इकट्ठा करना शुरू किया, बौद्ध धर्म से जुड़े स्थानों पे हो गया, गौतम बुद्ध से जितने भी स्थान जुड़े थे देखने की इच्छा उसको अंदर उत्पन्न हुई, गौतम बुद्ध के जीवन से जितने भी स्थान थे वो देखने के लिए वो जाने लगा, उसके अंदर देखने की बहुत ज्यादा लालसा उत्पन्न हो गई, रेगिस्तान को पार किया। इसके बाद वो एक स्थान पर पहुंचा जिस स्थान का नाम था सानसान। इस स्थान पर वहां पहुंचा, यहाँ हीनयान मत के 4000 भिक्षु निवास करते थे। बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय हैं मुख्यतः, अगर आप जानना चाह रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में, 3 संप्रदाय हैं मुख्यतः। पहला संप्रदाय है हीनयान, दूसरा है महायान और तीसरा है वज्रयान। ये 3 संप्रदाय जो है वो बौद्ध धर्म के हैं। हीनयान बुद्ध की शिक्षा में कोई संशोधन स्वीकार नहीं करते, वो बोलते हैं कि जितना भी बुद्ध ने किया है उसमें हम कोई संशोधन नहीं करेंगे, उनकी बातों में कोई संशोधन नहीं करेंगे, उनकी शिक्षा में कोई संशोधन नहीं करेंगे। महायान के लोग संशोधन को आवश्यक मानते हैं कि समय के साथ संशोधन किया जाएगा। वज्रयान संप्रदाय जो है वो तांत्रिक संप्रदाय है। इस तरह से बहुत डिफरेंस है, अभी मेन डिफरेंस हमने आपको बताया है, जब हम बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे तो हम आपको डिफरेंस को बहुत अच्छी तरह से बता देंगे। सानसान के बाद जो भाइयान है वो कर शहर में आया, खोतान आया, कासकर शहर की यात्रा की, खोतान के गोतमी विहार में वहां पे आया। वो गोतमी विहार इंपॉर्टेंट है, खोतान का गोतमी विहार। यहाँ पर महायान संप्रदाय के 10,000 भिक्षु निवास करते थे। कितने भिक्षु निवास करते थे? 10,000 भिक्षु निवास करते थे। अब सिंध नदी को पार किया, वो पार करने के बाद जो भाइयान था वो उद्धान नामक नगर में आया। एक नगर था जिसका नाम था उद्धान। बौद्ध धर्म में इस स्थान के लिए बहुत ज्यादा किंवदंतियां विकसित हैं। किंवदंती का मतलब है लोगों की मुख से जो मौखिक रूप से जो बातें चलती रहती, कथाएं चलती रहती, उनको कहा जाता है किंवदंतियां। बौद्ध धर्म में किंवदंतियां हैं कि महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उद्यान आए थे। यहाँ पर महात्मा बुद्ध के वस्त्र गीले हो गए थे, उद्यान में उन्होंने अपने वस्त्र सुखाए थे। पहला स्थान भाइयान को मिला जो बुद्ध से संबंधित है। बुद्ध यहाँ आए, उसको जो ग्रंथ मतलब यहाँ पर एक स्थान मिला जो बुद्ध यहाँ पर आए थे तो उसने चरणों की धूल लगा के, बुद्ध यहाँ कभी आए थे, उस चरणों की धूल उन्होंने अपने मस्तक पे लगाई। और एक बार जो कोई बताया कि महात्मा बुद्ध एक बार आए थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए तो महात्मा बुद्ध के वस्त्र यहाँ गीले हो गए थे। किंवदंतियां बताती हैं सिंधु नदी में भीगने के कारण उनके वस्त्र गीले हो गए थे। किसी ने बताया वर्षा ऋतु के कारण उनके वस्त्र गीले हो गए थे, बुद्ध ने अपने वस्त्र यहाँ पर सुखाए थे। तो पहला स्थान भाइयान को मिला जिसमें उसने महात्मा बुद्ध समझा था, उसने वहां पर आके बहुत अच्छा महसूस किया। गांधार में अब यहाँ पर इसके बाद जो भाइयान आया, गांधार आया, यहाँ पर राजा विवर्धन, यहाँ पर नाम दिया है भाइयान ने, यहाँ पर राजा विवर्धन शासन करता था जो कि अशोक का वंशज था, जो मौर्य सम्राट अशोक उसके वंशज था। यहाँ पर गांधार में ग्रंथों का इकट्ठा किया और तक्षशिला विश्वविद्यालय गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें सबसे प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय बाद में बना है, तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन है। इसके बाद भाइयान जो था वो पेशावर आया। यहाँ प्राचीन नाम जो था पेशावर का पुरुषपुर था, अब वर्तमान में इसका नाम पेशावर है। तो जब पहुंचा यहाँ पर तो कनिष्क के द्वारा एक चैत्य बनाया गया था, उसका दर्शन भाइयान ने किया। उसने बताया कि यहाँ एक महाविहार है, यह महाविहार 13 मंजिल बड़ा है। इतना बड़ा महल देखकर, महाविहार देखकर उसको बहुत अच्छा लगा। उसने सुन रखा था कि नागरहार एक स्थान है, जैसे भाइयान जिस स्थान पर गया वहां पर कई स्थानों के बारे में चर्चा की,
आसपास के नगर के बारे में जाना उसने, तो वहां पर चला कि नागरहार एक स्थान है जहां पर क्या होता है कि बुद्ध के दांत का पैगोडा है। बुद्ध के दांत का क्या है? पैगोडा। पैगोडा मतलब होता है मंदिर टाइप का, एक स्मृति टाइप का, जो बुद्ध के दांत का यहाँ पर पैगोडा है, ये बात उसने सुन रखी थी। तो वहां पर जाता है, बुद्ध के दांत का दर्शन करता है। इसके बाद फायान ने यहाँ पर भारत के जो मुख्य देश था, जो मगध का जहां पर शासन था, फायान ने मध्य देश का वर्णन शुरू किया। मध्य देश, फायान ने जो भारत का जो मुख्य भारत था उसका वर्णन किसके रूप में किया? मध्य देश के रूप में किया। मध्य देश के उसने बताया कि मध्य देश जो है ब्राह्मणों का देश है। सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन आता है कि इस समय भारत में किसका शासन था, किन लोगों का प्रभाव था, तो ब्राह्मणों को देश बताया। भारत का जो मुख्य भारत की भूमि है उसका वर्णन मध्य देश के रूप में किया है फायान ने। उसने बताया कि मध्य देश के लोग सुखी और समृद्ध हैं। मकानों का पंजीकरण भी अनिवार्य नहीं था, यहाँ पर मकानों का पंजीकरण अनिवार्य नहीं था, वो कोई भी लोग कहीं भी बस सकते थे, कहीं भी रह सकते थे, कहीं भी जा सकते थे। न्यायालयों के दंडाधिकारी के सामने भी उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं था। दंडाधिकारी का मतलब है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जो होता था उस समय, दंडाधिकारी होता था जिसको लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जिसके सामने रखी जाती थी। व्यक्ति चाहे नहीं कहीं भी जा सकता था, रह सकता था। सरकारी भूमि पर लोग खेती करते थे, उपज का एक निश्चित हिस्सा राजा को देना पड़ता था। उसने अगली बात बताई कि मध्य देश यानी भारत के लोग बहुत धर्मप्राण लोग हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, ब्राह्मण धर्म का बोलबाला है। यहाँ पर एक बात और लिखता है फायान कि लोगों को लोग देखते हैं कि वो किताबें लेकर जा रहा है, किताबें लिए हैं, तो लोग उसको देख के कौतूहल होता है। भारत में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के बारे में, अगर कोई विदेशी आएगा तो भारत के लोग उसको बहुत आश्चर्य से देखते हैं और ये देखते हैं कि उसके पास कितनी किताबें हैं। फायान जो होता है उसकी लंबाई थोड़ी कम होती है, सब लोग उसको देखकर विचित्र विचित्र चेहरे बनाते हैं, ये बात बताता है फायान। उसको परेशान भी बहुत किया गया। मध्य देश के बारे में बताता है कि कानून यहाँ पर बहुत ही सरल है, लोग कानून का सम्मान करते हैं, लोगों में कानून का भय नहीं है। यहाँ पर देख लें आप, उस समय भय नहीं था, सम्मान था। उस समय अपराध बहुत कम होते थे, कानून कठोर कम थे, तब भी अपराध नहीं होते थे। मृत्यु दंड का विधान नहीं था, शारीरिक कष्ट भी नहीं दिए जाते थे। यदि कोई व्यक्ति बार बार अपराध करे, फायन बताता है, अगर कोई व्यक्ति बार बार अपराध करे या राजद्रोह करे तो राजा उसका दाहिना हाथ काट लेता था, ताकि वो अपराध बार बार ना करे, ताकि जनता को परेशान बार बार ना करे। अपराध नहीं होते हैं, आर्थिक दंड, ज्यादातर दंड जो दिए जाते हैं वो आर्थिक होते हैं। अगला पॉइंट है, चीन के खोतान प्रांत से पाकिस्तान के स्वात होते हुए फायान गांधार प्रदेश आया, गांधार से पेशावर पहुंचा, पेशावर से पंजाब होते हुए मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, काशी, कुशीनगर, वैशाली, नालंदा, बोधगया, राजगृह, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, जितने भी छोटे छोटे स्थान बुद्ध से संबंधित है, फायान वहां गया तीर्थ स्थान के रूप में। एक बहुत उच्च प्रेरणा से होकर वो भारत आया था। उसने भारत के बारे में बताया, लोग यहाँ जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते, कहीं भी उसको कसाई खाना नहीं मिला। कसाई खाना का मतलब वो स्थान होता है जहां पर लोग पशुओं का वध करते हैं, जिसको बूचल खाना भी कहते हैं, उसे कहीं भी बूचल खाना नहीं प्राप्त हुआ। ना तो उसे बूचल खाना कहीं मिला है, ना ही मंत्रालय मिला है। यहाँ पर शराब पीने के स्थान भी नहीं मिले हैं, ये बात बताता है फायान। भारत के बारे में जितना अच्छा उसने बताया फायान ने, उसने जितनी अच्छी व्याख्या करी है, किसी भी इतिहासकार में ऐसी बात प्रेरणा नहीं देखने को मिलती। वो भारत आया था बौद्ध धर्म के हिसाब से, लेकिन भारत के लोगों के बारे में बहुत बातें बता गया वो, कि यहाँ पर लोग मांस मदरा नहीं खाते, प्याज लहसुन भी नहीं खाते, प्याज लहसुन खाना भी पाप समझा जाता है, इसमें वो बताता है। लेकिन एक जाति का उल्लेख करता है वो कि चांडाल इसके अपवाद थे, जो मांस खा लेते थे चांडाल, जो प्याज लहसुन भी खा लेते थे, लेकिन चांडाल को सबसे अछूत अपवित्र माना जाता था। जब चांडाल सड़क पर चलते थे तो सड़क पर डंडा पटक कर चलते थे, आवाज लकड़ी को बजाते हुए चलते थे, ताकि कोई उन्हें छू ना ले। सबसे ज्यादा अछूतों का वर्णन अगर किसी यात्री ने किया है तो वो किया है फायान ने। अछूत धर्मग्रंथ नहीं पढ़ सकते थे। फायान तक्षला भी गया और फायान ने किताबें भी लिखी, पांडुलिपियां भी एकत्रित की। लोग कौतूहल से फायान को देखते थे और बहुत परेशान भी करते थे। फायान की बहुत सी किताबें भी लोगों ने फाड़ डाली थी। उसका एकमात्र कारण यह था, यहाँ के लोग उसकी भाषा,
अब भाषा चीन की जो होती है, कोई विदेशी आ जाए चिंग पोंग करेगा तो वो भारत के लोग इसको बहुत मानते थे, बहुत कौतूहल से देखते थे, बहुत परेशान करते थे। उसने कई किताबें भी लिखी, भारत के लोग जहां भी वो गया वो किताबें छीन ली, फाड़ डाली, परेशान भी हुआ। तो इस बात से उसने कहा कि हम इसलिए परेशान हो रहे हैं कि आपकी भाषा नहीं जानते। तो उसने क्या किया, पाटलिपुत्र में 3 वर्ष तक अध्ययन किया, संस्कृत भाषा को सीखा। वो भाषा सीखने के बाद यहाँ के लोगों से बात करनी प्रारंभ की तो लोगों ने उसको परेशान करना भी कम कर दिया, और उसे लगा कि लोग उसकी भाषा के कारण उसे परेशान करते हैं। उसने भगवान बुद्ध के उपदेश जो दिए गए थे उसकी नकल की। यहाँ पर मध्य देश में उसने बताया व्यापार जो था वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है। उसका मतलब है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दे दी जाती है और आपस में व्यापार कर लिया जाता है। और उसमें वेतन जो मुख्यता होता था वस्त्र, अनाज, पशु और आभूषण के रूप में वेतन मिलता था। क्रय विक्रय जो होता था कौड़ियों में होता था। उसने बताया बहुत विशेष बात है, ये बात कई बार इंपोर्टेंट कंपटीशन में आई है कि उसमें व्यापार किसके माध्यम से होता था, तो फायन के अनुसार व्यापार कौड़ियों के माध्यम से होता था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको एक एक बात फाइयान की बताएंगे, ऐसे ही हम हर यात्री के बारे में बताएंगे। इतिहास का छोटा से छोटा पॉइंट आपको बताया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट है वो भी बताया जाएगा। आपको बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं, आप उनको देखते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और हम आपका सहयोग करते रहेंगे। किसी भी कंपटीशन का इतिहास आएगा तो वो क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। अगला पॉइंट आता है पाटलिपुत्र में आया वो फाइयान। उसने देखा प्रत्येक वर्ष में रथ उत्सव होता है। रथ उत्सव का मतलब है बहुत बड़े बड़े रथ होते हैं। उस रथ में भगवान बुद्ध के लिए उसने बुद्ध देव का नाम, उस पर भगवान बुद्ध का नाम यहाँ पर भगवान बुद्ध नहीं कहा, उसने बुद्ध देव कहा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, ना तो उसने गौतम बुद्ध कहा ना भगवान बुद्ध कहा, उसके लिए सब भगवान मतलब बुद्ध के लिए बुद्ध देव को नाम दिया। यहाँ पे ध्यान रखें, पाटलिपुत्र में प्रत्येक वर्ष रथ उत्सव होता था। रथों को आदमी खींचते थे, मध्य में एक बहुत बड़ा रेशमी ध्वज होता था। जो ध्वज होता था वहीं पर बुद्धदेव की मूर्ति होती थी और बुद्धदेव के आसपास बोधिसत्वों की मूर्ति होती थी। बोधिसत्व कौन थे, बुद्ध ने पूर्व जन्मों में जो बुद्ध के अवतार लिए थे उनको कहा जाता था बोधिसत्व। तो इस तरह से बोधिसत्व की मूर्तियां भी होती थी। और बुद्ध का नाम जिन्नाथ भी बताया उसने, जिन्नाथ ध्यान रखें, उसने बुद्ध के दो नाम बताए, एक तो बुद्धदेव और दूसरे जिन्नाथ, जिन्नाथ बोला। अगला है महाविहार में महायान के शाखा। उसने बताया पाटलिपुत्र में एक महाविहार है, इस शाखा के एक आचार्य हैं, उनका नाम है ब्राह्मण कुमार। वो इतने विख्यात हैं कि लोग उनके सामने खड़े नहीं रहते हैं, उनसे शास्त्रार्थ करने में घबराते हैं। बहुत ज्यादा प्रशंसा करी है इसने ब्राह्मण कुमार की कि ब्राह्मण कुमार एक आचार्य हैं, ब्राह्मण कुमार उनका नाम है, और उन्होंने बहुत ज्यादा प्रशंसा की है। ब्राह्मण कुमार के सामने कोई लोग खड़े नहीं होते, उनसे शास्त्रार्थ नहीं करते, उनसे घबराते हैं उनसे बात करने में। फिर उसने अशोक का राजमहल देखा, उसने बताया कि यह नगर देवताओं ने बसाया है, यह राजमहल देवताओं ने बनाया है। ये बात देखता है कि बहुत बड़े बड़े महल है यहाँ पे। एक बात और विशेष लिखता है वो कि यहाँ पर एक महाविहार है, महाविहार है। जब सूर्य पश्चिम दिशा में होता है तो महाविहार की छाया जो है वो जैन देवालय पे पड़ती है, लेकिन जब सूर्य पूर्व में होता है तो जैन देवालय की छाया जो है महाविहार पर नहीं पड़ती है। इस बात का उल्लेख वो करता है। अगली बात आता है वो संकिसा गया, श्रावस्ती गया, वहां पर जेतवन बेतवन दो विहार हैं। जेतवन विहार देखा, बेतवन विहार देखा, उनकी प्रशंसा की। और यहाँ पर पुण्यशालाओं की बात करी, यहाँ पर बहुत पुण्यशालाएं हैं जहां पर यात्रियों के लिए और भिक्षुओं के लिए मुफ्त भोजन दिया जाता है, उनके ठहरने का स्थान किया जाता है। ऐसी पुण्यशालाएं यहाँ पर बहुत है। मध्य देश के लोग सुअर और पक्षियों को नहीं पालते हैं, पशुओं का व्यापार नहीं करते थे, गाय भैंस और घोड़ों का पालन करते थे, सेवा करते थे। धनपतियों का मतलब यहाँ जो पूंजीपति थे, जो व्यापारी थे, उनने चिकित्सालय बनवा रखे थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन दिया जाता था, दवाई दी जाती थी, इलाज करवाया जाता था। ये इस बात की चर्चा करता है। फाइयान लुम्बिनी गया, यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। हर वो स्थान जो बुद्ध के जीवन से जुड़ा है फाइयान वहां जा रहा है, वहां की जानकारी दे रहा है, उसके बारे में लिख रहा है। वहां के बाद कपिलवस्तु गया, लेकिन कपिलवस्तु उस समय उजड़ गया था तो फाइयान थोड़ा दुखी हुआ। उसने कहा कि जिस स्थान पर भगवान पैदा हुए हैं वो स्थान दुखी हुआ, वो देख के कि वो उजड़ गया स्थान, इतना परेशान हुआ वो। कुशीनगर भी गया जहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी। फाइयान रामग्राम भी गया जहाँ पर बुद्ध ने अपना घोड़ा कंथक त्यागा था। रामग्राम ही वो स्थान है जहाँ माता बुद्ध जो अपने साथी चन्ना के साथ आए थे, चन्ना इनके साथी का नाम था, घोड़ा इनका प्रिय जो था उसका नाम था कंथक था।
चन्ना और कंथक को यहीं पर उन्होंने छोड़ा था। कंथक को, कंथक जो घोड़ा था चन्ना को दे दिया था, वो कह दे दिया था कि यहां से बस हम भिक्षु बन जाएंगे। वो स्थान रामग्राम है, रामग्राम पे वो उस स्थान पर जाता है जहां बुद्ध ने अपना घोड़ा त्यागा था, और उस स्थान को देखकर वो बहुत प्रसन्न होता है कि हमारे भगवान से संबंध एक स्थान हमें और मिला। ये बात उसके मन में आती है। उफायन सारनाथ गया, सारनाथ क्या होता है, सारनाथ जहां बुद्ध ने पहला मृग विहार में जहां पर अपना पहला उपदेश दिया था अपने पांच साथियों को, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। इसके बाद जो फायन था वैशाली गया, वैशाली बौद्धों का गढ़ था, और कुछ दूरी पर वह स्थान भी गया जहां आनंद की मृत्यु थी। आनंद जो थे महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, जितने भी महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए हैं वो सभी आनंद को संबोधित करके दिए हैं। जो भी बातें लिखी गई हैं, महात्मा बुद्ध ने जितनी भी शिक्षाएं दी हैं, उपदेश दिए हैं, उन्होंने कहा आनंद ऐसा, आनंद ऐसा, आनंद ऐसा। वो जो भी लोग प्रश्न पूछते थे वो आनंद के द्वारा ही प्रश्न पूछते थे, आनंद को ही वो जवाब देते थे। इस तरह से आनंद जो थे मेडिएटर थे लोगों में और महात्मा बुद्ध में। उर्वेला में उस स्थान पर भी फायन गया जहां महात्मा बुद्ध ने अन्न जल त्याग दिया था और बहुत निर्बल हो गए थे, बेहोश हो जाते थे, और उन्होंने वो शिला भी देखी जहां बुद्ध को सुजाता ने खीर खिलाई थी। यहाँ पर सुजाता जो थी, हुआ क्या था, सुजाता जब खीर लेके हो जाती थी तो कोई खाता नहीं था, तो सुजाता खुद खीर खाने लगती थी। वो खीर जिस दिन बुद्ध को लगा कि बहुत निर्बल हो गए, वो मर जाएंगे, अब वो खाना नहीं मिला तो मर जाएंगे, वो इंतजार करते हैं, लेकिन सुजाता उस दिन खीर लेके आती है, खाने लगती है। तो जो खीर सुजाता ने खा ली थी, झूठी हो गई थी उसकी, वो ही खीर उसने पूरी बुद्ध को खिला दी थी। तो एक बात ध्यान रखें हमेशा, जैसे भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे, उसी प्रकार सुजाता की झूठी खीर महात्मा बुद्ध ने भी खाई थी। इस तरह से इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है बुद्ध के जीवन में सुजाता का। कई लोग यह कहते हैं सुजाता की खीर खाने के बाद ही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इस तरह से खीर का बहुत बड़ा महत्व है। फायन बोध गया पहुंचा, वहां पर उसने जो पुराना पेड़ था, बोधवृक्ष था, कुछ विरोधी शासक हुए जिन्होंने उसे कटवा दिया था। अशोक की पत्नी थी जिसका नाम था तिसरक्ष था, उसने वो पेड़ में जहरीले कांटे चो को नष्ट करवा दिया था। कई शासक भी हुए हैं जो शैव धर्म से संबंधित था, बंगाल शासक शशांक, उसने भी बोध वृक्ष को कटवा दिया था। तो इस तरह से कई विरोधी लोग हुए हैं जिन्होंने उस वृक्ष को कटवाया भी है, उसमें जहरीले कांटे चो के नष्ट भी करवाया है। फायन यह देखकर बहुत दुखी होता है कि भगवान बुद्ध को जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था लोगों ने उस वृक्ष को काट दिया है, लेकिन वहां पर उन्होंने देखा एक नया पेड़ उगाया है। यह पेड़ देखकर वह थोड़ा मन में उसकी शांति मिली। फिर राजगृह में फायन एक दीवार देखता है, उस दीवार पर 42 रेखाएं खींची गई है। कितनी रेखाएं खींची गई, 42 रेखाएं खींची गई है। वहां के लोगों से पूछता है वो ये दीवार पर 42 रेखाएं कैसी हैं, तो वो उसे बताया जाता है कि राजगृह का एक शासक था जिसका नाम था शुक्र। राजगृह का जो शासक था उसका नाम था शुक्र। शुक्र के पास ऐसे 42 क्वेश्चन थे जिसके जवाब उसे नहीं मिले थे। वो हर ब्राह्मण से, हर बौद्ध भिक्षु से, हर व्यक्ति से, सन्यासी से इन प्रश्नों को पूछता था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे पाता था। जब भगवान बुद्ध शुक्र के सामने आए तो उसने एक बात उनके महात्मा बुद्ध के सामने रखी कि अगर आपने हमारे 42 प्रश्नों का जवाब दे दिया तो हम जीवन भर के लिए आपके अनुयायी हो जाएंगे। ये बात शुक्र ने कही। तो महात्मा बुद्ध ने कहा आप अनुयायी हो ना हो, अपने प्रश्न हमसे पूछो, हम जवाब देंगे, आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे, क्योंकि हमें आपके जवाब देना सही लगेगा, क्योंकि आप उस चीज आपके अंदर प्रश्न है, बहुत जिज्ञासा है, हम आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे। तो सही जवाब जैसे महात्मा बुद्ध जवाब देते थे तो वो दीवार पर एक लाइन खींच देता था, हर जवाब सही जवाब पर वो एक लाइन खींच देता था। इस तरह 42 जवाब मिलने पर 42 लाइनें खींच दी और वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी हमेशा के लिए बन जाता है। फायन बुद्ध के जीवन से जुड़े हर छोटे छोटे स्थान ले गया, प्रत्येक ग्रंथ को लिपिबद्ध किया। फायन उस स्थान पर भी गया जहां बुद्ध के चचेरे भाई दियोदत्त ने अजाशत्रु के साथ मिलकर बुद्ध को मारने की कई योजना बनाई थी। एक अग्निकुंड भी देखने गए, उस अग्निकुंड में जहां बुद्ध को धक्का देकर जलाकर मारने की योजना बनाई थी, उस अग्निकुंड में बुद्ध को फेंक भी दिया गया था, लेकिन बुद्ध के तपोबल से वो अग्नि बुझ गई थी और बुद्ध बच गए थे। वहां पर दूसरा वो स्थान देवी देखने गया जहां एक पागल हाथी छोड़ दिया गया था, जिसको नशा करा के छोड़ दिया गया था ताकि बुद्ध को वो हाथी कुचल के मार डाले, वो स्थान भी वो देखने गया फायन। और फायन उस स्थान पर भी गया जहां पर एक भूखी शेरनी भूखे कारण अपने प्राणों को त्याग रही थी, तो बुद्ध ने अपना मांस काटकर, यहां पर ध्यान दें आप,
बुद्ध थे, बहुत अहिंसावादी थे, बहुत करुणा थी उनके अंदर, लेकिन वो जानते थे कि शेरनी अगर मांस नहीं खाएगी तो मर जाएगी। तो भगवान बुद्ध ने अपना मांस काटकर शेरनी के प्राणों की रक्षा की थी। ऐसा इतिहास में उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलता है। कोई व्यक्ति चाहे इतनी बात करे लेकिन आचरण में जब बात आती है तो व्यक्ति पीछे हट जाते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने ये बताया कि व्यक्ति को जब भी आचरण की बात आए तो अपनी जो बात कही उस पर कायम रहे। भगवान बुद्ध ने अपना मांस काटकर शेरनी के प्राणों की रक्षा की थी। बुद्ध की करुणा देखकर फाइयान बहुत देर तक रोता रहा। अगला है, फाइयान ने बताया कि मध्य देश के लोग धार्मिकता में एक दूसरे प्रतिस्पर्धा करते हैं। धार्मिकता का मतलब है कि अगर किसी ने एक बाग लगवाया यात्रियों के लिए, किसी ने दो बाग लगवाए, किसी ने पुण्यशालाएं खुलाई, किसी ने खाना भोजन दिया, किसी ने यात्रियों के लिए स्थान बनाया, इस तरह से लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं भारत में। किसमें प्रतिस्पर्धा करते हैं? धार्मिकता में, धार्मिकता के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते लोग। अगला पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि पुण्य के लिए लोग एक दूसरे के धार्मिकता में करते हैं। तो फाइयान इस तरह से भारत में कई जगह पर रहा और उसने कई पॉइंट बताया उसने भारत के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में बहुत रोचक जानकारी दी। उन जानकारियों को हमने आपसे शेयर किया हुआ है। आप इस वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाएं, क्योंकि ये आपका विशेष रोल भूमिका रहेगी इस वीडियो को आगे बढ़ाने में। हम आपका पूरा सहयोग करते हैं, आप लोग भी हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।